इंदौर में तीन कोचिंग संस्थाओं में आग। कैफे से शुरू हुई आग में बुक स्टॉल और कोचिंग क्लासेस स्वाहा। इंदौर के भनवर कुआ इलाके में शुक्रवार को बड़ी आगजनी की घटना हो गई। यहां एक कैफे से शुरू हुई आग ने किताब की दुकान और तीन कोचिंग क्लासेस को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छुट्टियों के कारण कोचिंग सेंटर बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे से लगभग यहां आग की शुरुआत हुई थी। कंट्रोल रूम पर सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर फाइटर्स को रवाना किया गया। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। उसकी दीवार से सटी हुई B3 नाम की किताबों की दुकान है, जिसके कारण आग काफी बढ़ गई। यहां दो हिस्सों में लकड़ी की अलमारी में किताबें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कोचिंग संस्थानों तक पहुंची आग, फर्नीचर सहित पूरा सामान जला। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इसके बाद आग की लपटों में विष्णु गुप्ता कोचिंग क्लासेस और आग्नेय इंस्टीट्यूट सहित अनेक कोचिंग को भी चपेट में ले लिया, जिसमें आग से काफी नुकसान हो गया। यहां भी अंदर किताबें और फर्नीचर रखे होने से आग काफी अंदर तक फैल गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग बुझाने में करीब 12 टैंकर से अधिक पानी लगा। वहीं नगर निगम के कुछ टैंकर अलग से बुलाए गए। कोचिंग संचालकों ने बताया कि छुट्टियों के चलते अभी नई बैच प्रारंभ नहीं हुई। वहीं एक कोचिंग में बैच करीब 7 बजे शुरू होनी थी, लेकिन आग के चलते बच्चे अंदर नहीं पहुंचे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।